यार, ये जो स्ट्राइक पे लोग बैठे हैं, प्रोफेसर लोग बैठे हैं, इनकी क्या मांगे हैं? जी, इनकी मांगे हैं कि जिस तरीके के आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आरक्षण को लेकर इनका मुद्दा है कि जो 5 मार्च को जो लेटर आया है कि डिपार्टमेंट वाइज ही आरक्षण दिया जाएगा, तो इससे पहले क्या होता था, इससे पहले यूनिवर्सिटी तय करती थी कि आरक्षण किस तरीके से दिया जाएगा SC ST को, लेकिन SC ST OBC इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि एक इस तरीके के आरक्षण, इस तरीके का एक अनशन कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, रिले हंगर स्ट्राइक, जिससे कि ये हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं ये यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर की अपनी मांगे रख रही हैं, जो ताकि सरकार तक ये मांगे पहुँचे और हमें मतलब आरक्षण सही रूप में दिया जाए, सही रूप में इम्प्लीमेंट किया जाए। पीना जी, अभी 20 तारीख को एक जजमेंट पास हुआ है जो एट्रोसिटी वाला जो मामला था, पहले लोग डरते थे किसी को कुछ कहने से, आप सब कहने से, जैसे जाति स्तर पर कहने से लोग डरते थे कि अगर हमने इनको ऐसा कह दिया तो अगर इसने कंप्लेंट कर दी तो हमारी जमानत भी नहीं होगी, लेकिन अभी जो जजमेंट आया है एट्रोसिटी वाला, उसने बिल्कुल साफ कर दिया है कि पहले उसका इंक्वायरी होगी और उसको इंक्वायरी के तहत जो पाया गया जब उस पर वो केस लगेगा। जी, तो जो ये जो SC ST एक्ट जो अभी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, इससे पहले क्या होता था कि जो बहुजन समाज है, SC ST जो व्यक्ति है, लोग हैं, वो इसे अपना एक आत्मसम्मान, आत्म सुरक्षा का एक हिस्सा समझते थे कि हम इस समाज का हिस्सा हैं और इस तरीके का अगर हमें कोई गाली गलौज करता है तो हम इस एक्ट का इसे कहेंगे कि हथियार की तरह समझते थे। लेकिन जिस तरीके का निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट के अभी जो ये 20 मार्च को, इससे कि जो ये एक्ट था इसको एक पंगू बना दिया गया है और इसे पूरे बहुजन समाज में एक डर का माहौल सा तैयार हो गया है कि लोग डरे हुए हैं, अभी लोग डरे हुए हैं इस चीज़ को लेकर कि किस तरीके का भय का वातावरण बन गया है, कि जहाँ एक तरीके से पूरे देश में विकास की बात की जा रही है, वहीं पे बहुजन समाज को पीछे धकेला जा रहा है, जानबूझ के उनके जो ये एक्ट है या जिस तरीके से आत्मसम्मान के साथ जीना चाह रहे थे, उनको मुख्यधारा में लाने के बजाय फिर से ये हाशिए के समझ पे लाना चाह रहे हैं। टीना जी, आपको नहीं लगता जो पहले बुजुर्ग थे, बेचारे अनपढ़ थे और पैसा भी नहीं था इतना, उन लोगों ने संविधान को टच नहीं होने दिया, उनकी धाराओं को टच नहीं होने दिया, सिर्फ वो जानते थे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा है और संविधान के अंदर धाराएं लिखी हैं। अगर कोई बोलते, अगर जो कोई संविधान की तरफ देखेगा उसकी उंगली तोड़ देंगे, उसकी आँख निकाल देंगे। लेकिन आज इतने पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद, अच्छा पैसा होने के बावजूद, आज संविधान की धाराओं को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। देखिए, इस बहुत ज़्यादा लोगों को तो अवेयर ही नहीं, जागरूक ही नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पता भी नहीं है कि संविधान नाम की कोई एक किताब भी है, क्योंकि संविधान हमारा जो भारत है वो एक संविधान से चल रहा है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों को, वो लोग अब जागरूक हो रहे हैं। देखिए, पूरे देश के अंदर किस तरीके का वातावरण हो रहा है कि हर जगह आंदोलन हो रहे हैं। आप देखिए, एक सरपंच आंदोलन कर रहे हैं, महिलाएं, आदिवासी महिलाएं आंदोलन कर रही हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिलाएं आंदोलन कर रही हैं, कॉलेज में प्रोफेसर आंदोलन कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पर आंदोलन हो रहे हैं, पूरा देश आंदोलनों में लगा हुआ है। क्यों, लोग अवेयर तो हो रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ जो रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है इतना अभी, लेकिन जो शहरी क्षेत्र है, जिस तरीके का दिल्ली में है, दिल्ली में लोग अवेयर हैं इस चीज़ को लेकर और वो इस चीज़ को आंदोलनों को में लगे हुए हैं कि भाई ये जो, क्योंकि ये जानते हैं इस चीज़ को, पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि भाई अगर ये एक्ट को कमज़ोर कर दिया है तो इससे हमें नुकसान होगा और हम बहुत पीछे चले जाएंगे। तो आज युवाओं की क्या भागीदारी बनती है? देखिए, युवा आगे आ रहे हैं, युवा भी इस तरीके के, जैसे सोशल मीडिया पर भी एक मुहिम चल रही है कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके के मैसेजेस वायरल हो रहे हैं और जिस तरीके की बताया जा रहा है कि बाबा साहब के संविधान में किस तरीके की छेड़खानी की जा रही है और जो मोदी सरकार है वो किस तरीके से ये जो जितने भी कानून बनाए गए हैं उनको तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, जानबूझ के उनको कमज़ोर किया जा रहा है, ताकि ये लोग दलित जो हैं या दलित आदिवासी या जो भी लोग हैं, ये लोग कभी मेन स्ट्रीम में ना आ पाएँ, जो कभी आगे ना बढ़ पाएँ। मैडम, एक तरफ मंच से ये मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और कि बेटी ही इस देश का उजाला करेगी, मतलब इस तरीके के मन से जुमलेबाजी करते हैं, लेकिन मन से उतरते ही उन्हीं बेटियों पे अत्याचार होते हैं, बलात्कार होते हैं, उनका मारा जाता है, कॉलेजों के अंदर उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। देखिए, ये तो ये एक तरीके का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे उन्होंने इस तरीके का इनिशिएटिव लिया, लेकिन उसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए।
हम देखें तो वो हर बार कोई ना कोई स्कीम लागू कर रहे हैं, महिलाओं को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं पे सबसे ज़्यादा एट्रोसिटी शायद ही इस सरकार में हुई है। और ये क्या हो रहा है, एनसीआरबी का रिपोर्ट से रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो देखेंगे कि महिलाओं को किस तरीके से कितना ज़्यादा उन पर एट्रोसिटी हो रही है। लेकिन कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज भी महिलाएँ तो अपना केस भी दर्ज नहीं करा पा रही हैं, रजिस्टर नहीं करा पा रही हैं, चाहे वो SC ST को लेकर हो। एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि भाई ये इसका गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है, लेकिन ये बात समझनी होगी कि फ़ायदा कहाँ उठाया जा रहा है। इसका तो लोगों को तक पता भी नहीं है, लोग इसका ठीक से फ़ायदा क्या, लोगों को तो अवेयर जागरूक ही नहीं है इन एक्ट को लेकर, तो वो कैसे इस चीज़ को गलत इंप्लीमेंट लेंगे। और देखिए जैसे मोदी प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं कि मन की बात, लेकिन मन की बात समझ नहीं रहे हैं वो। मन की बात तो कर रहे हैं लेकिन हम लोग अपनी मन की बात कर रहे हैं, वो हमारे मन की बात नहीं समझ रहे कि बहुजन समाज एक दर्द से गुजर रहा है, जो दर्द उनको महसूस करना चाहिए। क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर महिलाओं को, खासकर दलित महिलाओं, आदिवासी महिलाओं को आगे आना चाहिए, तो किस बेस पर वो आगे आएंगी, क्योंकि उनके पास तो कोई अधिकार ही नहीं आगे आने के लिए, उनको तो कमज़ोर किया जा रहा है।